उससे पहले वाले साल वाले बच्चों का आसान था हजार इक्कीस बाईस तेईस मतलब जब भी एग्जाम हुए एक साल एग्जाम नहीं हुए थे उसके बाद लगातार साल से ये डिफिकल्ट आ रहे हैं और डिफिकल्ट आने का मतलब आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमेशा से आपके ट्रिकी रहते हैं थोड़े से आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए अगर तुम्हें ये लग रहा हो ना भाई तुम दो से तीन दिन में पढ़ के फिजिक्स के अंदर आ, 70 में से 65 प्लस स्कोर कर लोगे बहुत बड़ी गलती है जिनने पूरा साल पढ़ाई करी है फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे पहले दिन से पढ़ाई कर रहा है उसके 60 प्लस आएंगे या 65 प्लस आएंगे और जिनने आखिरी के दो दिन में या तीन दिन में या आखिरी के दो महीने में भी पढ़ाई करी है उनके 40 45 मार्क्स आने वाले हैं अब देख लेना यार अगर तुम लोगों ने इस चैनल से या किसी और चैनल से आखिरी दो महीने में या आखिरी एक महीने में या आखिरी पंद्रह दिन में प्रिपरेशन करी है ना तो तुम्हारे मार्क्स फोर्टी फोर्टी फाइव या फिफ्टी पर रुके होंगे लेकिन जिनने पूरा साल फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे एक क्वेश्चन लगाया है एक एक चीज करी है एनसीआर करी है हर एक क्वेश्चन कर है तो भाई उसके सिक्सटी प्लस कोई नहीं रोक सकता और मैं ये अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मेरे ऑफलाइन के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनसे मुझे नाइनटी प्लस एक्सपेक्टेड थे और एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे ये बोला हो भी मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ सबने ये बोला भी पेपर अच्छा हुआ आपके कराए हुए क्वेश्चंस, आपके नोट्स में से सारे क्वेश्चंस आए थे लेकिन जिन बच्चों ने हमारे ऑफलाइन में ऐसे बच्चे भी करी उनको सिर्फ प्लस, प्लस स्कोर नहीं कर सकते उनका स्कोर 40, 45 और 50 के बीच में रहेगा तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आप केमिस्ट्री के अंदर लास्ट के दो महीने में पढ़ के स्कोर कर सकते हो मैथ्स के अंदर आखिरी के दो महीने में पढ़ के स्कोर कर सकते हो लेकिन भाई फिजिक्स से पंगा मत लेना फिजिक्स पूरे साल पढ़ने के बाद होगी अगर अपने जूनियर्स को सजेशन देनी हो तो उनको सिर्फ एक बात बोल देना भाई फिजिक्स को थोड़ा सा हल्के में मत लो फिजिक्स अगले साल भी ऐसी होगी यही लेवल मेंटेन रखेगी दिस इज नॉट अ हार्ड लेवल मैं ये नहीं बोलूंगा इजी है मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत डिफिकल्ट था मॉडरेट लेवल पेपर था अब तुम्हारे तो को ये बात थोड़ी सी कड़वी जरूर लगेगी क्योंकि यार बहुत सारे टीचर्स क्या इवन मैक्सिमम टीचर्स या इवन मैक्सिमम स्टूडेंट ये बोल रहे पेपर डिफिकल्ट था एंड फ्रॉम माई साइड इट वॉज अ मॉडरेट वन नॉट अ डिफिकल्ट वन अगर मैं आपको एक एक क्वेश्चन निकाल के दिखाऊ ना एक एक क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन हमने पी वाई में करा रखा है हर एक क्वेश्चन आपको बता रखा है इस तरीके से बनेगा और अगर कोई ये बोल रहा हो ना मैंने आपकी आपकी आ, जो ये लास्ट क्वेश्चन मैराथन दी एक क्वेश्चन मैराथन लगा के मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ भाई क्वेश्चन मैराथन इज जस्ट फॉर दी टॉपर्स जिनके अंदर uh, जिनके मार्क्स प्लस uh, या प्लस आने थे क्योंकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उसमें से इफेक्ट का क्वेश्चन हमारा आया हुआ था उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आए हुए थे आज मैंने सुबह चार बजे क्लास ली उसके अंदर ये बोला सबसे पहला टॉपिक कराया एनर्जी एनर्जी लेवल और एनर्जी लेवल और डोनर उसका डायरेक्ट तीन नंबर का क्वेश्चन रेक्टिफायर का डायरेक्ट तीन नंबर का क्वेश्चन ये सब आया हुआ था भाई चीजें आपको पढ़ने की जरूरत थी ऐसे ही मार्क्स में होने वाला है मैथ्स का पेपर कंपेरेटिवली केमिस्ट्री से मुश्किल और मैथ्स और फिजिक्स से आसान होने वाला है मतलब ये जो आपका मैथ्स एग्जाम है ना वो मैथ्स एग्जाम आपका लाइक करने वाला है केमिस्ट्री और फिजिक्स के हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी अगले चार दिन आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ भाई क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स मेठे, की अगले चार दिन की स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए किस तरीके से आपने डे वाइज प्लान होगा पहली बात तो आपने पढ़ना क्या है अगले चार दिन आपने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है पहली चीज यार आपको टी विद एक्साम्पल जानी चाहिए जब मैं अपनी ट्वेल्थ में था ना, ना मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी मैंने एनसीआर के क्वेश्चन कर लिए सारे क्वेश्चन कर लिए लेकिन मैं उसके कुछ एग्जाम्पल छोड़ के चला गया मतलब जो उसके एनसीआरटी के हाँ, मतलब जो आपकी NCRT उसके एग्जाम्पल्स को मैंने ये बोल दिया यार ये टी तो रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स का कंसेप्ट है ना वो तो क्वेश्चन जैसा ही कंसेप्ट होता है तो मैंने क्वेश्चन लगा लिया लेकिन एग्जाम्पल नहीं लगाए तो मैं आपको बता दू आपका बहुत बड़ा वेटेज अपने आपके क्वेश्चन पेपर का एनसीआर एग्जाम्पल से होगा एग्जाम्पलर नहीं बोल रहा मैं एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ और एग्जाम्पलर से आपने एमसीक्यूज करने एमसीक्यूज जितने हो सकते हो एग्जाम्पलर से कर लेना उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं आपका ये पेपर का लेवल ठीक रहने वाला है ऐसा नहीं होगा केमिस्ट्री जितना आसान होगा ऐसा नहीं होगा फिजिक्स जितना डिफिकल्ट होगा उससे उसके बीच में लाई करने वाला है लेकिन अगर आप एनसीआरटी विद एग्जाम्पल्स एमसीक्यूज फ्रॉम दैट एनसीआर एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाते हो

अब डे वन पे आपको चैप्टर निपटाने हैं अच्छा आप इनको चेंज भी कर सकते हो कुछ बच्चे डे वन की जगह डे टू कर सकते हैं डे टू की जगह डे वन कर सकते हैं डे वन होगा टेंथ इलेवंथ वेक्टर थ्री डी एल पी प्रोबेबिलिटी और रिलेशन फंक्शन लगभग ये पांच छह चैप्टर आपको निपटाने होंगे एलपीपी बहुत आसान चैप्टर है लगभग थर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स में खत्म हो जाएगा विद पी वाई और फिर बात करता हूँ वैक्टर थ्री के दो से तीन घंटे में वैक्टर थ्री डी रिलेशन फंक्शन की दो घंटे में रिलेशन फंक्शन दो से चार घंटे आप प्रोबेबिलिटी में लगा लो तो ये चैप्टर एक दिन में बहुत अच्छे से हो सकते हैं बात करता हूँ डे टू की डे टू पे आपको खत्म आप करने होंगे डे थ्री पे आवंथ और मतलब ये सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फा, एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन इसके बाद आपका कंप्लीट मैथ्स हो जाएगा लास्ट डे पे आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगा और रिविजन कर रहे हो तो जनाब इस प्लान से चलो आपके इन चार दिन के प्लान के बाद आपकी प्रिपरेशन देखो देगा कितने चैप्टर छोड़े सेवेंथ एट नाइन छोटे छोटे एट चैप्टर को कंप्लीट करने में एक से डेढ़ घंटा लगेगा नाइन चैप्टर को कंप्लीट करने में दो से तीन घंटे लगेंगे आप इंटीग्रल पे इंटीग्रेशन पे आराम से बैठ के टाइम लगाओ अब जो बच्चे सिर्फ एक गलती मत करना बाकी अपनी तरफ से जैसे मर्जी शिफ्ट करो लेकिन इंटीग्रल को पहले मत करना क्योंकि इंटीग्रल पहले करने गए तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा अपना टाइम खराब करोगे और जनाब अपनी सारी प्रिपरेशन खराब कर लोगे पहले बाकी कर लेंगे। आ, अगर भी नहीं आता फिर तो इंटीग्रल उठाने का सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी हम आपकी राधिका क्लासेस कैसे हेल्प करेगा कल सुबह से लाइव सेशन आने शुरू हो जाएंगे कल सबसे पहले लाइव सेशन आएगा वेक्टर थ्री का वेक्टर थ्री के लाइव सेशन के अंदर हम आपको टॉप मोस्ट थर्टी से फोर्टी क्वेश्चन कराएंगे तीस से चालीस टॉप मोस्ट क्वेश्चन विद कंसेप्ट उनके कंसेप्ट समझा के वेक्टर के क्या कंसेप्ट है किस तरीके से क्वेश्चन लगते हैं फिर उसके क्वेश्चन लगवाने वाले और बढ़िया तरीके से आपको प्रिपरेशन कराने वाले तो मॉर्निंग क्लास के लिए रेडी रहना है मिलते हैं जहां पे वेक्टर थ्रेडी के क्वेश्चन कराएंगे और चैनल को सब्सक्राइब अब तो यार देखो फिजिक्स एग्जाम डिफिकल्ट हुआ तो आप अनसब्सक्राइब हो सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलना पड़ेगा ही नहीं हम है ना तो भाई अब इस वीडियो को शेयर करते ना राधेगा क्लास इस पर मैथ्स की प्रिपरेशन को शुरू करते हैं और जैसा पेपर मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री से डिफिकल्ट और फिजिक्स से आसान यही यही लेवल रहने वाला है आप जाए चेक कर लेना इसके अंदर यही सेम लेवल होने वाला है आज तक यही लेवल मेंटेन रहे केमिस्ट्री विल बी दस्ट ऑफ वन लास्ट ईयर हाँ, केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था उसके बाद फिर मैथ्स आता है फिर उसके बाद फिजिक्स आती है फिजिक्स हमेशा अपना लेवल मेंटेन रखती है और हमने आपको प्रिपरेशन भी उसी तरीके से कराई आपने पूरा साल नहीं पढ़ा आपको हमारा चैनल दस दिन पहले मिला दो महीने पहले मिला तो यार देखो आपको पढ़ना खुद था पूरा साल आपको मेहनत करनी है मेहनत आपकी है हम बता सकते हैं करने कैसी है मेहनत आप लोगों को करनी है अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो आपसे पूरा साल पढ़ा है भाई मैंने पढ़ाना ही नवंबर में शुरू करा था मेरा ये गला खराब था मैंने उससे पहले पढ़ाया ही नहीं इस साल अब तुम लोगों ने हमने पहले से पढ़ रहे हैं हमने तो पूरा साल आपसे पढ़ा भाई मैंने पढ़ाया नहीं तो तुमने पढ़ा कहां से तो बोल रहा रहे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये चार महीने आपको हंड्रेड मार्क्स नहीं दिलवा सकते हैं नाइन्टी प्लस नहीं दिलवा सकते हैं अगर किसी को भी सजेशन देना हो तो उनको बोल देना बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो फिजिक्स स्टार्टिंग से पढ़ लेना थैंक यू सो मच नोवल मीट इन दी सेशन कल मॉर्निंग में मिलते हैं वेक्टर थ्रेडी के साथ थैंक यू सो मच